interesting tweets of new Twitter boss. Of course, Elon Musk about cryptocurrency. And you have to watch it till the end, क्योंकि हम आपको एक अपडेट भी देने वाले हैं और साथ के साथ अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये अपडेट और ये जो लास्ट में टिप होने वाली है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है. और अब हम बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं. नंबर वन, 2022-13 मई को एलन मस्क एक स्टेटमेंट ट्वीट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि टेस्लास प्लान टू नो लॉन्गर एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट. उसका आउटकम ये रहता है कि जो बिटकॉइन है वो एकदम से फुल हो जाता है, यानी कि $54,819 से वो सीधा $45,700 पर पहुंच जाता है. एलन मस्क के ट्वीट की कितनी पावर रही है, और ये उसका जो है मार्च से लेकर 2021 का जो बिटकॉइन है उसने अपना ऑल टाइम लो रीच किया इससे. इसी की तरह बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्वीट की ओर जो हमारे एलन भाई साहब ने किया है. 29 जनवरी 2021 में जो एलन है ना वो एक ट्वीट करते हैं डॉज कॉइन के ऊपर. हम सब जानते हैं जो कि एक मीम कॉइन है और जिसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है. तो मैं बता दूं उस टाइम ट्वीट करने पर विद इन 4 आवर्स जो उसकी प्राइस है यानी कि डॉज कॉइन की वो 300% बढ़ जाती है. आई मीन जस्ट विद वन ट्वीट. और इसी के साथ साथ आपको मैं वो ट्वीट भी शेयर कर देती हूँ. आप स्क्रीन पर वो ट्वीट देख सकते हैं कि ये जो ट्वीट था एलन मस्क ने किया था 29 जनवरी 2021 को. तो इसी की तरह चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इंटरेस्टिंग ट्वीट के ऊपर जो एलन मस्क ने किया था और उसका क्या रिजल्ट रहा. ऑन दिसंबर 2022 एलन मस्क एक ट्वीट करते हैं, बिटकॉइन इज माय सेफ वर्ड. पर रिकॉर्ड्स बताते हैं हालांकि उससे उस ट्वीट के बाद बिटकॉइन की जो प्राइस है उस पर कुछ ज्यादा जो है प्राइस में चेंज नहीं आया. पर एलन मस्क उसी दिन एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं वन वर्ड डॉज. रिकॉर्ड्स बताते हैं फिर जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम थी नॉर्मली 30 मिनट्स की रफली $1,942 per minute और जिसमें एवरेज 7 ट्रेड्स होती थी पर मिनट, वो इस ट्वीट के 30 मिनट्स के बाद ही जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स अराउंड $300,000 हो गई और जिसमें 775 ट्रेड्स हो गए पर मिनट. वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ द ट्वीट. चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ इंटरेस्टिंग ट्वीट बाय एलन मस्क की ओर. जस्ट डेज बिफोर डिनाउंसिंग बिटकॉइन एलन मस्क जो है 11 मई 2021 को एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो अपने ट्विटर ऑडियंस से उनके फॉलोअर्स से पूछते हैं कि क्या टेस्ला को डॉज कॉइन जो है यानी कि एक जो मीम क्रिप्टो करेंसी है जो 2013 में आई थी और सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई उन्हें एज अ पेमेंट लेना चाहिए या नहीं चाहिए. तो उसमें क्या करते हैं वो इस डिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए एक कंडक्ट करते हैं पोल ट्विटर पर जिस पर वो उसका नाम लिखते हैं कि डू यू वॉन्ट टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉज. तो इस पर जो लोगों का रिस्पॉन्ड है वो ऐसे आता है कि 78.2% लोग हाँ भरते हैं और साथ के साथ 21.8% लोग नो बोल देते हैं. इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सोच समझकर ही एलन मस्क ने अपोर्ट ट्वीट किया है. तो चलिए आइए इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट की ओर बढ़ते हैं जो हमारे एलन मस्क ने किया है. तो जानते हैं इसमें क्या है ऐसा. 27 मई 2022 में फ्राइडे के दिन एलन मस्क ट्वीट करते हैं कि अब टेस्ला की आइटम्स जो हैं ऑफिशियल आइटम्स वो डॉज कॉइन एज अ पेमेंट आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप बाय कर सकते हैं एज अ पेमेंट जिसमें डॉज कॉइन आप यूज कर सकते हैं. तो आप स्क्रीन पर भी ट्वीट देख पा रहे होंगे जिसमें उन्होंने लिखा टेस्ला मर्च कैन बी बॉट विद डॉज सून स्पेस एक्स मर्च 2. तो इसी के साथ बताते हैं कि इसके बाद जो डॉज कॉइन जो प्राइस है वो सर्व हो जाता है कुछ आवर्स के लिए. अब इसी की तरह हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्वीट की ओर बिना किसी देरी के. ऑन जून 19, 2022 एलन मस्क जो है ट्वीट करते हैं दैट आई विल कीप सपोर्टिंग डॉज कॉइन, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. पर ये तो एक नॉर्मल सा ट्वीट हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि एलन मस्क अक्सर सपोर्ट करते रहते हैं डॉज कॉइन को. पर यहाँ पर नोट डाउन करने वाला पॉइंट ये है कि एट दैट टाइम Tesla CEO was sued for $258 billion for running pyramid scheme to support Dogecoin. यानी कि उस टाइम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हो रही थी एक मीम कॉइन उसको सपोर्ट करने के लिए जो CEO हैं Tesla के उनको sue किया गया, उनको इतने पे करने पड़े. तो उस टाइम एज अ सपोर्टर जो है एलन मस्क ने ये ट्वीट किया था आई विल कीप सपोर्टिंग Dogecoin. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है एलन मस्क की ओर से. अब इसी तरह हम अब क्या करेंगे, हम दूसरे ट्वीट की ओर बढ़ते हैं. राइट,
अब जो हमारा 8th इंटरेस्टिंग ट्वीट है जो एलन मस्क ने हमारे किया, आप उसे सुन के थोड़ा सा चौंक जाओगे। एक्चुअल में एलन मस्क जो है वो ट्वीट करते हैं 25 जन 2022 को, वो वहां पर ये बोलते हैं कि अगर मैं आपको पूरा ट्वीट ही पढ़ के सुनाती हूँ और साथ में आपको स्क्रीन पर भी वो शो हो रहा होगा, ही वुड ईट अ हैप्पी मील ऑन टीवी इफ मैकडॉनल्ड यानी कि फास्ट फूड जॉइंट जो है हमारे स्टार्ट एक्सेप्टिंग डॉज कॉइन। यानी कि ऑफकोर्स जैसे हम जानते हैं अभी तक हमें पता ही चल रहा है उनके ट्वीट से कि वो डॉज कॉइन को सपोर्ट करते ही रहते हैं, तो इसमें भी उन्होंने ये बोल दिया कि मैकडॉनल्ड अगर जो है डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करने लग जाएगा तो वो अपना घर पे टीवी के सामने बैठकर अपना हैप्पी मील जो कि एक प्रोमिनेंट आइटम है मैकडॉनल्ड के मेन्यू में, उसको आराम से इंजॉय करेंगे अपने घर पर। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो डॉज कॉइन है वो 9% स्पाइक करता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। सो आई मीन ट्वीट्स में कुछ तो जादू है एलन मस्क के। चलिए अब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे हमारे करेक्ट 9 ट्वीट की ओर। अब जो ये ट्वीट है ना, आप इसे सुनकर कहेंगे हैं ये क्या कह रहा है एलन मस्क, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज को इतना मतलब प्रमोट करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं और अपने ट्वीट्स में अक्सर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करते हैं, जैसे डोज क्वाइन होगी या किसी के बारे में भी, वो ये ट्वीट करते हैं कि मेरे पास 0.25 बिटकॉइन के अलावा कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मतलब मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी ओन नहीं करता हूँ, और ये जो 0.25 BTC है ये भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बहुत साल पहले दी थी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप ट्वीट ये जो है स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। आई लिटरली ओन 0 क्रिप्टो करेंसी अपार्ट फ्रॉम 0.25 बिटकॉइन दैट अ फ्रेंड सेंट मी मेनी इयर्स अगो। तो कुछ इस तरह से ये इन्होंने ट्वीट किया है। अब इनका रीजन तो ये यही जानते होंगे, पर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ट्वीट की ओर बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट जानते हैं कि क्या एलन मस्क ने किया था। तो जो हमारा 10th ट्वीट है, तो ये जो ट्वीट है ना जो एलन मस्क करते हैं अप्रैल फूल डे वाले दिन, यानी कि 1 अप्रैल 2021 में ये ट्वीट करते हैं कि SpaceX इज गोइंग टू पुट अ लिटिल डॉज कॉइन ऑन द लिटिल मून। हालांकि आफ्टर ऑल अब तक डॉज कॉइन हैज नॉट येट बीन डिलीवर्ड टू द लूनर सर्फेस, तो हम सेफ साइड के लिए और एज अ सेफ हम ये बिलीव कर सकते हैं कि ये जस्ट एक अप्रैल फूल वाला जोक ही था। तो अब तक जो है हमने एलन मस्क के इंटरेस्टिंग ट्वीट के बारे में डिस्कस किया और साथ ही एक बिग न्यूज जो एलन मस्क के बारे में, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एलन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया है $44 बिलियन में। जी हाँ, तो मतलब जिस पर वो काफी फेमस रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स एलन मस्क के ट्वीट अक्सर चर्चा में रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए तो स्पेशली, तो अब आखिरी में जो है एलन मस्क ने ही एक्वायर कर लिया है ट्विटर को। उन्होंने ये बोला कि मुझे इसमें काफी दिक्कतें लगी हैं, मुझे इसको फिक्स करना और इसे काफी तगड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। और एक और बात जो मैंने इन्वेस्टर्स के लिए कही थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो की मैं कुछ बताने वाली हूँ, तो वो ये है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान एलन मस्क के ट्वीट्स की ओर भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं और अब तक जैसे हमने इतने सारे ट्वीट्स भी देखे कि उनके ट्वीट से काफी फर्क आता रहता है क्रिप्टो मार्केट में, तो आप एक बार उनके ट्वीट से भी गो थ्रू हो जाए, क्या पता आपके लिए उनका जस्ट एक ट्वीट आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े ही रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दो यार, तभी तो आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस देख पाओगे। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उसी से ही जब हम पहली कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और साथ के साथ इसे लाइक शेयर करें अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप एलन मस्क के ट्वीट के बारे में क्या सोचते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।